यहाँ पे, तो आप भी इस चीज को एंजॉय करो। पटाखा दी मस्त लाना। हेलो कर, हेलो। एके सो गाइस, ये है कंडाली, पहाड़ी में से कंडाली बोलते। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। मैं आपका अपना भाई निखिल गुसार, हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी अंपहाड़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे 10:30, मैं उठ चुका हूं इन वादियों के बीच में, और अभी का जो नज़ारा है वो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे फॉग एकदम से तेज़ी से बह रहा है। तो सामने का व्यू आप देख सकते हो। सो गाइज, आप देख सकते हो सामने का व्यू कितना ख़तरनाक लग रहा है। अभी सनलाइट कम है, इस वजह से थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा। बाकी आप इस तरफ को देख सकते हो कि काफ़ी साफ खुल के मौसम आया है कुछ दिनों से। सो इस साइड से ही सारा फॉग आ रहा है और काफ़ी तेज़ी से आ रहा है, और वो जा रहा है इस साइड को, लेकिन यहाँ पर आते ही वो थोड़ा सा फीका पड़ जा रहा है। और आप सामने पर देख सकते हो घंटाघर भी दिखाई दे रहा होगा आपको, तो वो रहा घंटाघर वहाँ उस टाइम वहाँ पर। यहाँ का नज़ारा देखिए आप, वाह, इधर पूरा नीला आसमान है और सामने पे कुछ कुछ बादल भी दिख रहे हैं, वाकई में अच्छी बात है। यहाँ पे ये पार्किंग का जमावड़ा है पूरा, तो यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं रेंट वेंट पे, तो सारे सबकी बाइक कार है यहाँ पे। तो देखिए कितनी बाइक है यहाँ पे लगी हुई, स्कूटी भी लगी हुई है, बाकी मैं भी उठ चुका हूँ अभी। तो गाइस, अब मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर आपको थोड़ा सा, आपको उससे भी आप थोड़ा सा चौंकेंगे और बोलेंगे कि यार ऐसी जगह पे ये क्या हो गया है। तो अब दिखाते हैं आपको बिना देरी किए हुए। ये देखिए, ये इतनी अच्छी मकान बिल्कुल खंडर में बदल चुकी है, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिसका भी ये मकान था उन्होंने ऐसा क्यों करा। और इतनी अच्छी लोकेशन पे ये मकान था और फिर भी लोग इसे मतलब ऐसे ही छोड़ के चले गए। तो ये मकान पूरा टूट गया है, आप देख सकते हो, और अंदर भी देखो, अंदर बिल्कुल से डर लग रही है जाने में, लेकिन वहाँ तक आप देख सकते हो कि कितना। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिल्कुल 2-3 मकानें और हैं जो बिल्कुल खंडर में बदल चुकी हैं, और सामने पर एक मकान ये रही। तो ये देखिए आप, ये भी बिल्कुल खंडर हो चुकी है। बाकी ये देखिए, बहुत ही सही जगह है यहाँ पे। और आगे मुझे एक हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दी थोड़ा सा वहाँ पे उस उधर पे, तो ये भी अच्छा है। यहाँ पे एक कुत्ते के बच्चे भी हैं। मैं उस वाली लोकेशन पे जाके वहाँ से आपको आगे का व्यू दिखाता, लेकिन मैंने एक दिन ट्राई किया था वहाँ पे जाने के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी सारे कुत्ते रहते हैं और वो काटने के लिए आते हैं, तो मैं वहाँ पे नहीं जा सकता। कभी देखता हूँ अगर कुत्ते नहीं रहेंगे तो जाऊंगा, तो वो वीडियोस आपको मेरी शॉर्ट के माध्यम से देखने को मिल जाएंगी, तो आप ज़रूर वॉच करें उस वीडियोस को। बाकी आप ये देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे, ये वाले पेड़ आप देख सकते हो कि कितने बड़े हैं, ऊपर तक गए हैं। कहीं यहाँ पे भूत तो नहीं रहता था, इस वजह से छोड़ा होगा लोगों ने, हो सकता है भूत का बसेरा। चुड़ैल, डायन, हा हा हा। सो गाइज, ये है अभी पिछला ब्लॉग, मैंने कल या परसों डाला था, तो उस पर भी आपका थोड़ा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। सो थैंक यू सो मच ऑल यूट्यूब फैमिली, आगे भी आप ऐसे सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार दिखाएं। और आप बहुत सारे लोग वीडियोस को देख लेते हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते। अगर आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो उससे मुझे काफ़ी मोटिवेट मिलेगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छा एफर्ट लगाऊंगा और आपको अच्छा दिखाने की कोशिश करूंगा। और बहुत सारे लोग वीडियोस को देख भी लेते हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उस वजह से आप मेरी वीडियो को जब मिस कर लेते हो। तो आप जब भी वीडियोस देखते हो तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप मेरी वीडियो का आनंद ले सकें। तो गाइस, यही है। बाकी आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे हालांकि कुछ दिनों से मतलब मौसम बिल्कुल ख़राब था, और जस्ट धूप आ रही थी सुबह में, उसके बाद ही एकदम से बारिश शुरू हो जा रही थी, तो आज का ऐसा सीन नहीं है। बाकी मौसम अच्छा है लेकिन थोड़े बहुत बादल हैं अभी, तो देखते हैं अभी 2:30-3 बजे तक क्या सीन रहता है। वैसे अभी ठंड भी यहाँ पे होने लग चुकी है, तो क्योंकि मसूरी में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, और तो यहाँ पे ठंड काटना बहुत मुश्किल होता है। बाकी हम भी स्ट्रगल लाइव जी रहे हैं, तो कोशिश करेंगे इस चीज़ के लिए। बाकी थोड़ी देर में आपको मिलते हैं, तब तक आप सिनेमैटिक शॉट का आनंद लें। तो दोस्तों जैसे तैसे मैं यहाँ पर आ चुका हूँ डर डर के, लेकिन यहाँ पर अभी कुत्ते नहीं थे,
तो बिना देरी किए हो आपको यहाँ का व्यू भी आपको दिखा लेते हैं। आपको आई होप आपको बहुत पसंद आएगा, मुझे तो बहुत पसंद आया, एकदम स्वर्ग जैसा है यहाँ पे। तो आप भी इस चीज़ को एंजॉय करो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से, और आगे का आप व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है। जो वो पहाड़ दिख रहे हैं ना, वो काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, बहुत ही सही लग रहा है। और बाकी यहाँ से करें तो नीचे आपको पार्किंग दिखने को मिल जाती है, और यहाँ पे कुछ घर भी हैं, होटल भी हो सकते हैं। और ऊपर जो ये वाला सबसे अच्छा मेरे को ये लगा, और वहाँ पे जो एक पहाड़ी है, पहाड़ी पे एक होटल है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और बाकी आप देख सकते हो यहाँ से ये जो पेड़ है ना, वो काफ़ी अच्छे डायरेक्शन में है, और एक डायग्राम सा बन गया है, तो ये काफ़ी सही लग रहा है। अभी मैं हनुमान होता तो इसको उठा के और कहीं और पर रख देता, लेकिन इतनी पावर में इसमें है नहीं। तो यहाँ से तो ऐसा व्यू दिख रहा है यहाँ का, और वाह। और आगे की साइड आप देख सकते हो कि वो कोहरा काफ़ी तेज़ी से ऊपर की साइड जा रहा है। अभी मैंने दिखाया था कुछ कोहरा इस साइड को आ रहा है, कुछ साइड उस साइड को जा रहा है, वाकई में अच्छा है। तो इसको मैं टाइम लैप्स के द्वारा दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी वाह, मौसम बहुत प्यारा है आज का। बाकी इसको देखो सुबह सुबह उठ के यहाँ पे मज़े ले रहा है वादियों के। गाइज अभी है सामने टूरिस्ट स्पॉट, वो ऊपर आप देख सकते हो ना, तो यहाँ से आपको ट्रॉली से लेकर ऊपर ले जाया जाता है, और वहाँ से जो व्यू दिखता है वो सारा व्यू दिखता है इसके चारों तरफ का, तो वो है गन हिल। और वहाँ से टूरिस्ट ऊपर जाते हैं और वहाँ से पूरा लुप्त है। अभी एक ट्रॉली नीचे आ रही है, लेकिन मेरा फ़ोन उतना अच्छा नहीं है, इस वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी मैं जूम करता हूँ। ओह अभी आप देख पा रहे होंगे, तो सामने देखिए एक ट्रॉली नीचे आ रही है ना, तो यही है ऊपर जाने के लिए भी ट्रॉली है, और नीचे ऊपर आपको अच्छा सा व्यू देखने को मिल जाता है उस वाले टॉप से, और बाकी आप नीचे भी वहीं से आ सकते हो। तो ये सामने यहाँ से 50 मीटर पर होगा, और वहाँ से आप उसका लुत्फ़ उठा सकते हो। अगर आते हो कभी यहाँ तो आप ज़रूर इसका आनंद लें, और ये सामने का व्यू का आप नज़ारा लें। प्यारे डॉगी यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे मस्त हो रखे हैं, या शाबाश, वेरी गुड, डॉगा दी मस्त लाना, हेलो कर, हेलो, वाह सो रहे हैं, वाह हेलो हाय करने आ गया, बहुत ही अच्छी बात है, और फिर सो गया अपनी जगह पे। तो गाइस इस तरीके से मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, और वो भी बैक कैमरे से शूट करता हूँ अपनी वीडियोज़ को, क्योंकि फ्रंट कैमरे से उतना अच्छा नहीं आता है, तो इस तरीके से अभी मैं शूट कर रहा हूँ। सो गाइज ये है कंडाली, पहाड़ी में से कंडाली बोलते हैं, और अपनी लैंग्वेज में आप किसे क्या बोलते हैं वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये कंडाली है दोस्तों, और अभी मैं इसकी खासियत आपको बताता हूँ कि पहले इसकी सब्ज़ी बना के भी लोग खाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और जो इसके ये कांटे दिख रहे हैं ना आपको, तो ये अगर कांटे आपके शरीर में धंस गए या चुभ गए तो बहुत ज़्यादा जलन होती है, और एक अजीब सी झंझनाहट महसूस होती है, तो इससे आप जितना दूर रहें उतना ही सही होता है। और अगर हालांकि आपके कहीं पे चोट लग जाती है किसी बदन पे या पैर मुड़ जाता है, तो ऐसा मानते हैं कि लोग इसको वहाँ पे ऐसे मारना पड़ता है उस जगह पे, तो उससे काफ़ी हद तक ये सही हो जाता है। तो बाकी आप देख सकते हो ये कैसा पौधा है, और वैसे तो आप इस पे बिल्कुल हाथ मत लगाइए, क्योंकि फिर दिक्कत हो सकती है आपको भी। तो कहीं पर आपको ये दिख जाता है तो एकदम से इसे पकड़िए नहीं, वरना फिर अंजाम बुरा ही होगा। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो अपना एक लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बाय बाय। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।